हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किस वीडियो में देखने जा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का सबसे लास्ट शिफ्ट। ठीक है, सबसे लास्ट शिफ्ट देख रहे हैं दोस्तों, इसके बाद आपका एग्जाम नहीं है ना। 31 जुलाई 2021 मैथ्स के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका एग्जाम यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या है कि लड़के को डाटा याद नहीं रहता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप उसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप प्रोसेस देख लीजिए दोस्तों, आप घर पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन भेजा है दोस्तों, वो रंजीत कुमार फ्रॉम नालंदा। ठीक है, दो लड़कियों ने क्वेश्चन भेजा आज, एक रंजीत कुमार फ्रॉम नालंदा से, एक का आपको नाम पता नहीं है दोस्तों। जब भी कभी वीडियो आएगा तो उसके लिए मैं उसका भी नाम ले लूँगा, रंजीत कुमार फ्रॉम नालंदा, जिन्होंने कि एक्यूरेट लगभग 15 से 16 क्वेश्चन भेजे हैं। ठीक है, तो सीबीटी 1 का जो ये जितना भी एनालिसिस हुआ है दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम, आपका सीबीटी 2 का एग्जाम बचा हुआ है उसमें हेल्प करेगा, फिर आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो बचा हुआ दोस्तों, आपका आरआरसी ग्रुप डी उसमें भी हेल्प करेगा दोस्तों। क्योंकि यही पैटर्न आपको आने वाले एग्जाम में पूछेगा, चूँकि TCS एग्जाम ले रही है, CBT 2 का भी एग्जाम वही होगा, लेकिन आपका ग्रुप डी का एग्जाम TCS लेगा कि कोई और होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये सिलेबस आपका यही है सिलेबस, इसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, यदि इसका आंसर की आता है, ठीक है, जब भी आ जाए आपका आंसर की, तो कम से कम आप हमें 7903584042 आप नंबर नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है, ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है, और ईमेल आईडी देख लीजिएगा दोस्तों, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईमेल आईडी आपको mathswithvivek@gmail.com, ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा। आप क्या कि जब भी आंसर किया आएगा, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे आप या तो व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर देंगे आपका क्वेश्चन पेपर जो भी होगा, और या तो आप हमें मेल कर दीजिएगा, ताकि सारे शिफ्ट का कंबाइन करके आप सबको हम एक ही बार हम डाल सके, ताकि आप आने वाले जो भी काम हो या तो ग्रुप डी या उसे बीटी टू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, बस इतना कम कर दीजिएगा दोस्तों, आपके शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपका नाम को हम क्या करेंगे वहाँ से हटा देंगे, रोल नंबर भी हटा देंगे, जो भी होगा सारा हटा देंगे दोस्तों। ठीक है, वो आपका गोपनीय रहेगा, उसमें किसी से कोई ताल्लुकात नहीं होगा, बस आप क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा दोस्तों। इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, जो जिसका जिसका जो शिफ्ट का एग्जाम, ठीक है, ताकि मैं शिफ्ट वाइज जितना भी एग्जाम हुआ दोस्तों, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन एक साथ करके फिर उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। एक किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, शुरुआत एक करे और एक दिन अल्टरनेट काम करने में कितना दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब आपका क्या है, आपको बारह तारीख आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो दिन दिया उसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जैसे ही एलसीएम लेंगे दोस्तों, आपका आएगा 30। ये टोटल मेरे पास कितना हो गया, 30 काम हो गया। अब यहाँ से करेंगे, एक का एक दिन का काम निकाल लेते हैं दोस्तों, एक का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 30/10 कितना हो गया, आपको 3 काम हो गया। यानी कितना काम किया एक दिन में, 3 काम किया। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 30/ कितना हो गया, 15 कितना हो गया, आपको 2 काम हो गया। ठीक है, अब देखिए शुरुआत कौन किया, ए किया, फिर बी किया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, डॉट डॉट ए काम चलते रहेगा। अल्टरनेट का मतलब होता है कि आपको बारी बारी से। ठीक है, तो ए ने देखिए कितना काम किया एक दिन में, कितना काम किया, 3 काम। बी ने कितना काम किया एक दिन में, 2 काम, दोनों मिलकर कितना हो गया, 2 दिन हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 डेज। ठीक है, 2 डेज में टोटल काम कितना हो गया, यहाँ पे आपको 5 काम हो गया। ठीक है, कितना काम हो गया, 5 काम। अब यहाँ देखिए क्या है कि आपको 5 काम करता है कितना दिन में, 5 काम करता है आपको कितना दिन में दोस्तों, 2 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा, 2/5 दिन में करेगा। टोटल काम मेरे पास कितना, आपको 30 है दोस्तों। यहाँ पे 30/ कितना हो जाएगा, 2/5 गुना कितना होगा, आपको 30 हो गया। 5/6 हो गया, 12 दिन आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक लड़के ने ये क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, और एक ने क्या भेजा है, आपको डाटा थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आंसर अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक किसी काम को 12 दिन में, भी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, शुरुआत एक करे और एक दिन अल्टरनेट काम करे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन आपका बारी बारी से ही है, तो वो पहला वाला भी क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 12 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना जाएगा आपको, ये आपका 60 आ जाएगा। कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, टोटल काम हो गया। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 60/12 करेंगे कितना हो गया, 5 काम हो जाएगा। बी का आपका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 60/10 करेंगे कितना होगा, आपको 6 काम हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया पांच काम, ये हो गया छह काम। तो शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, डॉट डॉट, ये काम आपका चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक दिन में कितना काम किया आपको? पांच काम। बी ने कितना काम किया? छह काम किया। टोटल में लगा कितना काम हो गया? 11 काम। 11 काम करता है कितना दिन में? ये एक दिन कितना हो गया? 2 दिन हो गया। ठीक है, 11 काम करता है कितना दिन में दोस्तों? आपको 2 दिन में करता है। एक काम कितना में पड़ेगा? 2/11। 11 का पहाड़ा पर ये क्या 60 कटता है? नहीं कटेगा, तो उससे पहले हम ले लेंगे 55, कि 55 11 से कटेगा। ये 55 काम कितना में करेगा? 2/11 गुना कितना हो गया? 55 हो गया। तो 11 बचे कितना हो गया? 55, 10 दिन हो गया। ये 10 दिन हो गया, तो यहाँ तक आपका मान के लिए कि 55 काम खत्म हो गया। तो ए बी करेगा 55 काम तक, यहाँ तक मान के लिए आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बी तक। फिर आगे कौन करेगा? ए करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा। लेकिन मेरे पास कितना काम बचा हुआ? आपको पांच काम शेष बच गया। शेष काम कितना बच गया आपको? पांच शेष बच गया। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, यहाँ पे देख लीजिए, ए कितना काम करता है दोस्तों आपका? तो ए के बाद कौन, मतलब इसके बी के बाद फिर कौन करेगा? आपका ए करेगा, है ना? ए करेगा एक दिन में कितना काम करेगा आपको? एक दिन में आपको कितना काम करेगा दोस्तों? ये पांच काम करेगा। ठीक है, तो एक दिन इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा? आपको 11, मतलब 5 60 हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा हमारा। तो आपको कितना होगा? 10 1 11 दिन, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कि 3 समान वृत्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बीच घिरे का क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब 3 समान वृत्त आपका, देखिए क्या है कि आपका ये एक एक वृत्त ये हो गया दोस्तों, आपका एक वृत्त ये हो गया दोस्तों, और एक वृत्त आपका क्या हो गया? ये हो गया समान वृत्त से घिरे, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना पूछा? ये जो आपका ये बोला है, तो ये मान के चलिए ये आर आपका आर होगा, ये भी कितना होगा दोस्तों? आपका आर होगा। ये भी कितना होगा दोस्तों? आपको आर होगा। ये भी कितना होगा? आर होगा दोस्तों। यहाँ भी होगा, ये भी कितना होगा? आर होगा दोस्तों। ये भी कितना हो जाएगा? आपको आर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालता हूँ, जो रंगा हुआ भाग है दोस्तों, इसका जो एरिया निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा दोस्तों। ठीक है, ये छायांकित भाग का एरिया निकाल लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या होगा, तो देखिए ये टोटल टोटल आपका क्या हो गया? ये संभावित त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों, चूंकि 2r, ये भी 2r, ये भी 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सबको? संभावित त्रिभुज हो गया, एक संभावित त्रिभुज हो गया। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल में से आपको देखिए क्या है कि ये आपका, ये देखिए लघुवृत्त बना है ये दोस्तों, ये देखिए ये आपका ये वाला पार्ट, ये जो है आपका, ये क्या है आपको? लघु खंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, लघुवृत्त का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, वर्गवृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ दोस्तों? आपको 300 गुना कर देंगे। ठीक है, तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 * भुजा स्क्वायर होता है, भी पुट करेंगे वैल्यू बाद में। लघु क्षेत्रफल कितना होता है आपको? π r² θ/2 कितना होता है आपको? 60 होता है। तो संभावित त्रिभुज का प्रत्येक भुज कोण कितना होता है आपको? 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं, √3/4 * ये हो जाएगा 2r² माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 π r² गुना 60/2 कितना हो गया? 360 हो गया। ये 6 बार में कटेगा दोस्तों, ये हो गया 3 दूनी आपका 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? √3/4 * कितना हो गया? 4r² माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको π r². ठीक है, π r² कितना हो जाएगा? ये काट जाएंगे आपको, कितना हो गया? 6 बार में कटा था और ये कट गया था। ठीक है ना, देखिए ये 3 अब बचेगा कितना आपको? यहाँ पे 2 बचा था। ठीक है, ये 4 4 काट दीजिए, क्या बचा दोस्तों? यहाँ पे आपको r² कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा? √3 माइनस π/2 बचेगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपको r² √3 माइनस π/2 हो गया। यदि π आंसर होगा दोस्तों, r का यहाँ वैल्यू रखिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको ये जाएगा आपको 0.161 आपको r², यदि याद रखना चाहते हैं इसको याद रख सकते हैं आप दोस्तों, या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, r² का मान हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा कि 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 0.161 कितना हो गया आपको? 3/5/2 कितना हो जाएगा आपको? 3/5। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, नीचे दशमलव उड़ा दीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको 10, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपको? 10 हो जाएगा, और इसको भी हटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं। ठीक है, 35 पे 9 35 कर लेते हैं, गुना करने को जरूरत नहीं, 161 गुना कितना हो गया आपको? 4 3 12 5 25 हो गया, बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपको? 1 आपको 2 2 4, है ना? 3 2 5 0 हो जाएगा नीचे, अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, 161 9 225 को कर लेते हैं, गुना कितना होता है?
तो आपको 197225 बट्टे आपका 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 197225 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। यदि ये दिया हो तो ये आंसर होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे आपका आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। ऐसा भी आंसर देता है या तो ऐसा आंसर होगा दोस्तों, दो जो भी आंसर होगा आप ठीक आउट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, -7/10 -3/5 -1/10 को आरोही क्रम में लिखना है ठीक है। जब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -0.7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको -0.1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि यदि आप नेगेटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है कि बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। आरोही क्रम में लिखने बोला मतलब सबसे छोटा लेना है दोस्तों, सबसे छोटा लेना है। तो सबसे छोटा देखिए क्या हो जाएगा आपको, आपको यही हो जाएगा -0.7, और उसके उससे बड़ा क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ये क्या होगा 0.1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका यही जो सीरीज लिखा हुआ दोस्तों, आपको क्या लिखा हुआ 0.7, इससे बड़ा हो गया -0.6, और इसके बड़ा हो गया -0.1, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है। जो वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा -7/10 हो गया दोस्तों, उसके बाद क्या होगा -3/5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -1/10, यही इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे आपको आरोही क्रम में लिखा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो डाटा नेगेटिव में जो डाटा बड़ा दिख रहा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो आपको बड़ा हो जाएगा ठीक है। आप ग्राफ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया -1, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। देखिए तो आपका क्या है कि दोस्तों देखिए ये आपका 2 हो गया या -3 हो गया, तो ये बताइए -3 बड़ा कि -2 बड़ा, तो -3 में से आपको कौन हो गया -2 बड़ा हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको देख लेना है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दीवार से लगे सीढ़ी, दीवार ठीक है, एक दीवार से ये सीढ़ी जो है यहाँ से आपको 60 डिग्री का कोण बनाना, उन्हें कोण बनाना ठीक है। तो सीढ़ी के आधार की दूरी 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दोस्तों आपको 20 मीटर है, ये हाइट पूछा है दोस्तों कितना होगा। तो ले लेते हैं दोस्तों 10 60 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ से आपका मान आ जाएगा 10 60 डिग्री का मान बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है आपको P/B होता है। तो H/ कितना हो गया 20 हो गया, 10 60 का मान कितना होता है आपको √3 होता है, तो H/ कितना हो गया 20 हो गया, तो H का मान कितना हो गया 20√3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैदल जाने और गाड़ी ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पैदल जाने और गाड़ी को जी मान लेते हैं, पैदल हो गया, पैदल जाने और गाड़ी से आने में उसको कितना लगता है 5 घंटा 20 मिनट लगता है, 5 आवर कितना लग रहा है 20 मिनट लग रहा है। आप इसको चेंज कर दीजिए दोस्तों आपको पूरा का पूरा मिनट में ठीक है। तो 5 घंटा है, तो 5 घंटा में कितना हो गया 300 मिनट हो गया, 320 मिनट हो गया ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि दोनों तरफ गाड़ी से जाने पर, दोनों तरफ गाड़ी जाने G+G जाने में उसको कितना लगता है आपको 2 आवर कितना लगता है 20 मिनट लगता है, ये कितना हो गया 6 × 12 140 मिनट का समय लग रहा है ठीक है। तो अब देखिए कि दोनों तरफ जब गाड़ी से गया तो 140 मिनट लग रहा है, तो 2G/ कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 140, G/ कितना हो गया आपको 70 मिनट हो गया ठीक है। जी का मान कितना हो गया 70 मिनट हो गया, इस 70 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए P+G में, तो P+G/ कितना हो गया 320 हो गया। अब हमारा जी का मान यहाँ पे कितना आपको 70 है ठीक है, जी का मान निकालें दोस्तों यहाँ पे 70 हो गया 320, अब P/ कितना हो गया दोस्तों 320 में से आप 70 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 250 ठीक है। 250 मिनट आपका हो गया पैदल, तो दोनों ओर पैदल कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों ओर पैदल कितना हो जाएगा, दोनों ओर पैदल एक ओर पैदल का कितना दूरी है आपको P+P/ कितना हो जाएगा आपको 250 + 250 कितना हो गया आपको 500 मिनट हो गया ठीक है। कितना हो गया 500 मिनट हो गया, और कितना घंटा कितना मिनट होगा वो आप 60 से भागा दे दीजिए ठीक है। 60 से भागा देंगे कितना हो गया 6/62 हो गया, ये हो गया आपको 0, यहाँ पे हो गया आपको ठीक है 8 बार में लगेगा ठीक है, 6 × 48 ठीक है, ये जो होगा 20 ठीक है। तो 8 घंटा कितना लगेगा दोस्तों आपको 20 मिनट लगेगा, कितना लगेगा 8 घंटा 20 मिनट आपका क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों क्या है कि जो शुरुआती समय है दोस्तों 5 घंटा 20 मिनट, कितना 5 घंटा 20 मिनट है, इसमें से आपको घटाना है, क्या घटाना है ठीक है, देखिए क्या घटाना है क्या जोड़ना है। यदि समय आपको ज़्यादा लग रहा है ठीक है, ज़्यादा लग रहा है तो घटा देंगे,
और ज़्यादा समय कम लग रहा है वो आपको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। पहले वाले समय में, ये पहले वाले समय आपको, अब देखिए कि 5 घंटा 20 मिनट पहले था, 5 घंटा 20 मिनट पहले था, और बाद में कितना है आपका 2 घंटा, आपको कितना आपको 20 मिनट है ना। देख लीजिए 5 घंटा 20 मिनट पहले था, 2 घंटा 20 मिनट बाद में है, तो समय तो ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, आपको 3 घंटा आपको ज़्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब 5 घंटा 20 मिनट में आपको क्या करना होगा, आपको 3 घंटा आपको घटाना होगा, ठीक है। इसको घटा दीजिए दोस्तों, कम लग रहा है तो जुटेगा दोस्तों, ठीक है। कम समय लग रहा है, 5 घंटा लग रहा था, बाद में 2 घंटा लग रहा था, कम लग रहा था जुटेगा दोस्तों, ठीक है। कम लग रहा है, ये वाला हो रहा है आपको, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 3 5 3 8 हो गया, 8 घंटा 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि पहले से ज़्यादा समय लग रहा है तो पहले वाले समय में जो ज़्यादा होगा उसको हम घटा देंगे, और पहले वाले समय से कम लग रहा होगा तो पहले वाले समय में आप कम वाले जितना कम लग रहा है उसको हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 55 से 520 के बीच कि 6 से विभाजित होने वाले सभी संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों। इसका मतलब बोला गया है कि 55 और 520 के बीच में, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 55 के बाद पहला संख्या कौन कटेगा दोस्तों, 60 होगा, फिर 66 होगा दोस्तों। 520 से पहले जो संख्या होगा दोस्तों वो कौन सा होगा जो 6 से कटेगा, ये हो जाएगा 516, ठीक है। 516 हो जाएगा, 516 में 6 से भागा दीजिए कट जाएगा, 6 8 48, ठीक है, 3 बचेगा, ठीक है, 6 6 36, मतलब 516 यह संख्या कट रहा है। तो आप देखिए इसके लिए आपको दो तरीका है, एक आप क्या कीजिए, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है आपको, एस एन बराबर होता है दोस्तों n/2, ठीक है, n/2 होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको क्या करता है कि आपको ये हो जाएगा आपको 2a+n-1 क्या होता है आपको d होता है, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से चाहिए एन का भी वैल्यू चाहिए, तो एन के लिए आपको यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tn बराबर होता है a+n-1 क्या होता है आपको डी होता है। यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, tn मतलब कि अंतिम टर्म कितना 516 है, पहला टर्म कितना आपको 60 है, प्लस n-1 क्या हो गया आपको डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया कितना का रहा, 6 का रहा है, ये हो गया 516 में 60 घटा दीजिए दोस्तों, 516 में से 60 घटा दीजिए, उसके बाद n-1 क्या हो गया आपको 6 हो गया, ठीक है। 516 में यदि आप 60 घटाइएगा कितना आएगा, 456 आएगा, बराबर कितना हो गया n-1 क्या हो गया आपको 6 हो गया, इसको काट दीजिए, 6 7 42 हो गया दोस्तों, 6 6 36 हो गया, बराबर n-1 हो गया, n का मान कितना हो गया आपको 77 हो गया। आप क्या कीजिए इस पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो n का मान 77 आया तो 77/2 हो गया दोस्तों, ठीक है, into 2a, 2 गुना आपका 60 हो जाएगा, a का मतलब हो गया पहला टर्न आपका 60 है, प्लस n-1 77-1 आपका 6 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, हो गया 77/2 हो गया दोस्तों, ये हो गया 120 हो जाएगा, प्लस 77 में से 1 घटेगा कितना हो गया 76, 76 गुना 6 हो गया यहाँ पे दोस्तों, ये हो गया 77/2 हो गया 120 प्लस 76, ठीक है, 76 गुना 6 करेंगे दोस्तों आपका कितना होगा 456 हो जाएगा। तो 456 में 120 जोड़ दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 2, और 120 को जोड़ देंगे दोस्तों आपका ये हो जाएगा आपको 576 हो जाएगा, कितना होगा 576 हो जाएगा, इसको काट दीजिए दोस्तों, ये आ जाएगा 288, और 77 गुना 288 कीजिएगा दोस्तों आपका आ जाएगा 22176, 22176 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, दूसरा यदि ये एन निकालना ही होगा, दूसरा तरीका क्या है कि आप एवरेज निकाल के, ठीक है, एवरेज निकाल के उसको एन से गुना कर दीजिए, सम आ जाएगा, ठीक है। तो सम क्या होगा, पहले एवरेज निकालना होगा, तो 60+516, ठीक है, बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, इसको कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, इसके 5 1 कितना हो गया आपको दोस्तों 6 1 7 हो गया दोस्तों, 576/2 कितना हो जाएगा आपको 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, तो सम आपका कितना हो जाएगा, जो एवरेज आएगा उसको नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दीजिए, 77 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 22176 यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 3x+ky=11 एंड 2x+8y=5 का कोई हल नहीं है तो k का मान कितना होगा दोस्तों। मैंने लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से बताया है आपको दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का है कि आपको 3x+ky, ठीक है, -11=0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2x+8y -5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
तो जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता क्या होता है, ए वन बट्टे ए टू बराबर क्या करते हैं दोस्तों, बी वन बट्टे बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन बट्टे सी टू होता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका ए वन हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया आपको ए टू हो गया, ये आपका बी वन हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो गया बी टू हो गया। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तीन बट्टे दो हो जाएगा, उसके बाद के बट्टे कितना हो जाएगा हमारा आठ हो जाएगा। ठीक है, तो के बट्टे कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, दो चौका कितना हो गया आठ हो गया, के का मान कितना हो जाएगा बारह, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई धन सीआई से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको गुणात्मक रिलेशन आपको क्या करना है कि गुणात्मक रिलेशन जो होता है दोस्तों उसको गुणात्मक रिलेशन को आप इक्वेट कीजिए। ठीक है, तो कितने पहले पहले क्या हो रहा दोगुना हो रहा, बाद में कितना होना उसको 8 गुना होना है। ठीक है, दो से कहाँ जाना आपको 8 गुने की तरफ जाना है। तो ये बताइए दोस्तों कि आपको दो पे कितना पावर रखेंगे कि 8 हो जाएगा, कितना रखना होगा पावर आपको 3 रखना होगा। इसी पावर को जो आपको समय दिया हुआ है उसी टाइम को हम गुना कर देंगे दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 3 गुना टाइम कितना आपका 15 हो गया, तो कितना हो गया 15 45 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 20 25 30 35 40 से किसी संख्या में विभाजित करने पर शेष क्रमशः 15 20 25 30 35 बचता है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आपका क्या है 20 है, ठीक है, उसके बाद क्या है 25 है 30 है 35 है और 40 है। तो शेष कितना बच रहा है दोस्तों आपको 15, फिर क्या आपको 20, फिर 25, फिर 30, फिर कितना आपको 35 बच रहा है। ठीक है, ये दोनों का गैप देखिए कितना आपको 5 का गैप हो रहा है ना, दोनों का अंतर कितना आपको 5 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि आप दी गई संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए, किसका 20 25 30 35 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। ये हो गया 5 चौके 20 हो गया, 5 चौके 25 हो गया, 5 चौके 30 हो गया, 5 से 35 हो गया, 5 से 40 हो गया। ठीक है, 2 से दे दीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया, 6 2 3 6 हो जाएगा, 7 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, फिर 2 से लगेगा दोस्तों, ठीक है, 2 का 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब किसी से नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है, अब किसी से नहीं लगेगा तो इसको गुना कर दीजिए, एलसीएम कितना होगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 20 5 आपका कितना हो गया 100, यहाँ तक हो गया गुना 7 या 21 दूनी कितना हो गया 42। ठीक है, ये हो गया कि टोटल आपका कितना हो गया 42 हो गया। हमारा जो संख्या होगा दोस्तों, यदि शेष आपका अलग अलग बच रहा हो उसमें से आपको जो अंतर आ रहा है, ये दोनों जो अंतर आ रहा है इसको इसमें घटा दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाए दोस्तों आपको 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, 1 41। देखिए क्वेश्चन हम 36 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 10.8, ठीक है, 21.6 और 36। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, दशमलव के बाद मैक्सिमम हम कितना है? आपका 1 है, यहाँ नहीं है तो वहाँ पे आपको पूरा कर लेना है। कितना हो गया 10.8 हो गया, 21.6 हो गया, और कितना हो गया 36.0 हो जाएगा। अब दशमलव को हटा दीजिए, 108 हो गया, 216 हो गया, और ये हो गया 360। इसका एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, मतलब एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है कि सब संख्या कटना चाहिए, ऐसा कोई संख्या है, योग्य 12 12 9 108 हो गया, योग्य 12 12 हो गया, 12 8 96 हो गया, योग्य 12 3 36। अब फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 3 6 18 10 3 30। ठीक है, मतलब अब किसी से नहीं कटेगा तो ये वाला संख्या आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये मेरा कितना हो गया आपको 36 एचसीएफ होगा, लेकिन आपको क्या बोला गया कि दशमलव के आपको एक अंक के पहले आपको क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि दशमलव आपका क्या है कि एक अंक के पहले दशमलव है, तो कितना होगा आपको ये 3.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.6 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आरोही क्रम एक स्टूडेंट वो पहले भेजा था, इससे पहले ने जो बनाया था एक एक लड़का ने ये भेजा, देखिए दोनों में कौन आंसर आपका, मतलब कौन सा आपका जो होगा डाटा आप देख लीजिएगा, 1 -1.4 -4/5 और -2/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4/5 हो गया दोस्तों, ठीक है, ये 3/3 हो गया। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों का गैप कितना हो दोस्तों आपको 3, ये हो गया आपको 0.333 डॉट डॉट जाएगा। ठीक है, 4/5 हो गया दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, एक हो गया गैप, गैप एक हो गया, तो कितना हो जाएगा आपको -4 हो जाएगा। ये दोनों का गैप कितना है दोस्तों आपको, एक गैप है तो भगा देंगे, कितना होगा -2 होगा। तो देखिए नेगेटिव वाला में क्या होता है, जो बड़ा डाटा होता है वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बड़ा कौन सा आरोही क्रम में लिख रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या ढूंढना होगा, तो सबसे बड़ा संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों आपका, सबसे छोटा आपका ये रहता, यही आपका बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या आपको ये हो गया, तो आरोही क्रम में लिख रहा है,
मतलब छोटा से बड़ा क्यों हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, माइनस चार बटे पाँच हो जाएगा, फिर माइनस दो बटे तीन हो जाएगा, फिर माइनस एक बटे चार हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आपको आरोही क्रम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3:2 है, लंबाई को आधा चौड़ाई को दोगुना करने पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि घनाभ 2 बार है। ठीक है, तो आपका एक घनाभ का एरिया होगा यहाँ पे, एक घनाभ का दूसरा एरिया पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 घनाभ है, एक पहले वाला का जो आपका कितना रेशियो दिया हुआ, 2:3। ठीक है, आपका कितना दिया, 2 दिया, तो ये इसको रेशियो कटाएंगे कितना हो जाएगा 2x, ये 3x, ये कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। इसका जो एरिया हो जाएगा दोस्तों कितना होगा, 2 × इसको इसके साथ गुना कीजिए 3×6x² प्लस इसको इसके साथ गुना कीजिए कितना होगा 3×6x² और 2 को 2 से गुना कीजिए 2×4x² हो गया। तो ये एरिया हो गया आपको इस घनाभ का। ठीक है, 6×6 = 12, 12×4 = 16, 2 कितना हो गया 32x² हो गया। इसके बाद क्या बोला है कि लंबाई को आधा, तो लंबाई मेरा ये है, लंबाई को आधा कर दिया है, चौड़ाई को दोगुना कर दिया है। ठीक है, और हाइट को वैसे रहने दिया है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ जो इसका एरिया होगा दोस्तों, तो ये 2 2 कट जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, इसको इसे गुणा कीजिए कितना हो गया 3x² हो गया प्लस। ठीक है, और 3×2 ये आपका हो गया, आपको 3×2 6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये आपका 6x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6x, तो ये कितना हो जाएगा आपको 6x² हो जाएगा, इसको इसे गुणा कीजिए कितना, 6×12 x² हो जाएगा प्लस आपका कितना होगा 2x² हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया दोस्तों, ये आपका कितना हो गया 6×12 = 18, 2 कितना हो गया 20x², 20×2 कितना हो गया 40x² हो गया। तो ये बताइए एरिया का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, आपका 8x² हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका 8x² हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे वैल्यू है नहीं, है ना, वैल्यू नहीं है, तो चौड़ाई दोनों पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आप देखिए जो दोनों का डिफरेंस होगा दोस्तों कितना हो गया, 8 का हो गया। तो एक्स का वैल्यू होगा दोस्तों वो डिपेंड करेगा कि जो डाटा देगा उस पर डिपेंड करेगा, मतलब कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों, आपका 8x² का आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आप देखिए प्रतिशत प्रभाव यदि पूछा होगा तो क्या होगा दोस्तों, 8x² बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 32x² गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, तो x² कट गया, 8 × 4 कितना हो गया 32 हो गया, कितना हो गया 25% का क्या होगा आपको वृद्धि हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 25% की वृद्धि होगा। तो यही आपको पूछा होगा दोस्तों कि क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा होगा, तो 25% की वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि टैंक की दीवार और नीचे के तल का पेंट करने में खर्च क्या होगा, जिसकी लंबाई 15, चौड़ाई 5, चौड़ाई आपका 5 और हाइट कितना दिया हुआ आपको, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि टैंक की दीवार और निचले तल का को पेंट करने में खर्च क्या होगा, जिसकी लंबाई 15 बी 12 और हाइट 15 मीटर और 7 रुपये/स्क्वायर से दे रहा है, तो कुल खर्च कितना होगा। तो ये आपका एक घनाभ का दिया हुआ, चूँकि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी, मतलब घनाभ हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका घनाभ हो गया, इसमें क्या किया गया है कि आपको 4 दीवारें तो होगा ही, तो आपको टैंक के दीवार और निचले तल को पेंट करने में, मतलब ये इसका एरिया और आपको 4 दीवारी का एरिया निकाल के उसमें को आपको 7 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 2×L + B × H होता है, अब प्लस तल का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, क्योंकि ये L हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया आपको, H हो गया, यहाँ सभी का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, और टोटल खर्च हो जाएगा, यहाँ पे खर्च हो जाए कितना हो जाएगा, इसको 7 से आप गुना कर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो 2×L + B कितना हो गया, 15 + 12 × हाइट कितना है दोस्तों आपका 5 है, प्लस कितना हो गया 15×12। ठीक है, चलिए ये गुना 7 हो गया दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15×12 कितना हो गया 27, 5×10। ठीक है, ये हो गया 270 + 180 × कितना हो गया आपको 7 हो गया, जोड़ दीजिए 0 हो गया, 8×7 = 15 हो गया, 2×1 = 450 गुना 7 कर देंगे दोस्तों, ये होगा 0×7 = 35 हो गया, 83 हो गया, 7×28 = 31 रुपया आपको टोटल खर्च हो जाएगा दोस्तों इस पर। ठीक है, 7। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 54 - 6² - 45 - 4² - 54 - 6 - 45 - 4 का मान कितना होगा। ये क्या ऊपर में कि आपका ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं, नीचे क्या है दोस्तों a-b, तो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर हो जाएगा a + b × क्या हो जाएगा a-b हो जाएगा,
और नीचे कितना हो गया a माइनस बी, ये दोनों दोनों कट गया तो क्या बचा a प्लस बी बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये a हो गया ये b हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 54 माइनस 6 हो गया, उसके बाद 45 माइनस 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 100 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि टेन थीटा पावर रूट थ्री प्लस हो तो 2√3 प्लस इंटू कोट थीटा प्लस वन का मान क्या होगा। तो देखिए टेन थीटा को हम यदि प्लस देंगे तो कोट थीटा हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1/√3 + 1 होगा। इसका प्रमेयकरण करेंगे कितना होगा 3√-1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 2√3 इंटू कोट थीटा, कोट थीटा का वैल्यू कितना है 3√-1/2 प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ये दो दो कट गया दोस्तों, 3√3 गुना कीजिए कितना हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया 3√, ठीक है, प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया 4-√3 आपका आंसर हो जाएगा इसको, 4-√3। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।